हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, दस्तार क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी शमक सदर, जिला मंडी बहाउद्दीन से बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मंडी बहाउद्दीन, कौन सी जगह है? चुकना वाली गाँव है, मंडी बहाउद्दीन से चुकना वाली गाँव है, बिखी शरीफ की राइट। हाँ हाँ, चुकना वाली, हाँ चुकना वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाए, फरमाए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने फिश फार्म बनाए हैं और मैं शायद कमिट भी बहुत सारी किए हैं कि कछुए हैं, कछुए फार्म में सर, कछुए इतने हैं कि मछली को खाना खाने भी नहीं दे रहे, वो जो उसको ग्राहक वगैरह। यार रात को मैंने आपका कमेंट देखा भी था, वो कछुओं वाला, क्या जी मेरे कछुए, पहले मैंने पूछा था कहाँ है कि हैं, फिर एक और जगह पे लिखा हुआ तो उस पांड का थोड़ी शक्ल भी दी हुई थी। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कछुए कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, और मैंने वो टर्टल का पता नहीं पूछा भी था कि कछुए से आपकी मुराद टर्टल है या टॉर्टाइज है, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब नहीं मुझे आया। सर जी कछुए जिसको हम नहीं बोलते। हाँ नहीं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन यार ये जो होते हैं ना कछुए, इनको बहुत सारे लोग तो इनको नुकसान दे नहीं समझते, क्योंकि ये बड़े सारे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और मछलियों के साथ कंपटीशन ज़रूर होता है, खुराक का ज़रूर होता है, लेकिन मछलियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी मैं पहले एक थोड़ा पेड़ डालता था खुराक, तो मच्छी से जैसे वो बोलते हैं ना, आप लोग बताते हैं कि 3-4-5 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। हो जाती थी, वेस्ट होती थी। अच्छा, मेरा प्रोग्राम भी यही था कि अल्लाह करे ठीक है थोड़ी बहुत वेस्ट होती जाए, लेकिन मछली पेड़ भर के खाना खा ले। अच्छा, लेकिन एक की बजाय मैं 2 डालता हूँ और मछली को फिर भी वो खाने नहीं देते, पहले वो खुद खा लेते हैं, जैसे कि वो पंजाबी में खुली पर एक जो है ना वो उनको बाद में उसने खाने देना है। सही है वो, वैसे भी आपको पता है जो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यही है ना, तो वो इसलिए वो पहले वो खा जाते हैं फिर आप मछली को खाने देते हैं। चले ये है कि मेरी जान, उसको ट्रैप किया जाता है, उसके लिए ख़ास किस्म के पिंजरे बनाए जाते हैं, जिस तरह नहीं होते चूहों के कुछ पिंजरे बनते हैं, तो उसमें ट्रैप किया जाता है, इसी तरह इनके ट्रैपर्स होते हैं, ट्रैप करते हैं, वो डाल देते हैं, उसके अंदर खुराक रखते हैं और उसके अंदर ये कछुआ जाता है और उसमें ट्रैप हो जाता है, वो निकालते जाते हैं, इस तरह एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। और बाकी मैं तो इनकी इस हक में नहीं हूँ कि इनको मारा जाए, नहीं मारना चाहते भी नहीं है, बस ये फार्म से भाग जाए, तब अगर पकड़े लिए जाए तो भी हम ये करीब एक नहर है उसमें फेंक देंगे। यही करना है आपने, बेहतर ये है कि इसको वहाँ वो उसकी, मैं इस प्रोग्राम के एंड में वो ट्रैपर की तस्वीर लगा दूंगा, ठीक है, जाली का होता है, जाली के होते हैं बनाए, ये अंग्रेज लोग तो ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला इतना बड़ा पहले रिपोर्ट नहीं हुआ, ये आपकी मेरा ख्याल है, मैं जब से कॉल्स ले रहा हूँ और कितने साल हो गए हैं, और 2000 मेरा ख्याल है 380 से ज़्यादा हो गई हैं कॉल्स, और 2400 के करीब होने वाली हैं, तो इन 2400 इस जो मौजूदा चैनल है इस पे, और दूसरा चैनल वो भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसका मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा था, वो मिला कल परसों ही मिला, तो उस पे भी मैंने सोचा कि उसमें 556 थी, तो इतनी सारी यानी 3000 के करीब कॉल्स में एक भी कछुए की नहीं है। हाँ उसकी एक दफ़ा आई थी, वो थी वो जो होती है ना सांप, सांपों की तो खैर बहुत ज़्यादा आई हैं, ये ख़ास तौर पे जिनके हैं ना बागात, केले के बागात में बहुत ज़्यादा सांप थे, तो उनमें मैंने फिर गो जो होती है वो फैम डलवाई थी,
मैंने कहा गो वहाँ रखें, गो पालें और गो खाती जाएगी सांप को, जो स्नेक्स को। तो उन्होंने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिंध में था प्रॉब्लम, तो गो ने सारे के सारे खा दिए। तो ये इनको ये है कि एक्स्ट्रा आप वो ट्रैप करके खुराक डालेंगे, उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, आ जाएंगे, और उसके बाद आपने इनको लेकिन मारना नहीं, इनको बे वहीं नहर में डाल देना है, ठीक है, ठीक है। या लेते इसका इनका पॉइंट ही लेता बना ले। ये भी बात ठीक है आपकी। नहीं, इसमें कोई दवाई नहीं है जो, या कोई ऐसा टोटका जिसको फार्म में रखने से ये फार्म से चले जाएं? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि फार्म वो तो पानी के अंदर है ना, बाहर अगर हो तो वो तो बाहर से भी आप ट्रैप ही करना है आपने, वैसे भी पकड़ लेना है बाहर से कौन सा उन्होंने। वैसे तो मैं घंटा लगा था, वो जो होते हैं ना वो डेली बैठता हूँ, तो चार पांच आते हैं, उनको यानी गड्ढू में बंद करके नहर पर लेकर जाता हूँ, उधर छोड़ देता हूँ। नहीं, वो कांटे से तो वो मुंह उसको वो तो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो लेकिन साथी वो फिर भी उनको कोई परवाह नहीं है? परवाह नहीं है, है परवाह मेरी जान, वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनका ये नहीं, प्लीज़ कांटा नहीं डालना। आपको मैं पिंजरे की तस्वीर भेजता हूँ, आपने वो केज फेंकने हैं अंदर, और उसके अंदर आपने पहले खुराक डालनी है, और ऐसी खुराक डालनी है जिसके अंदर जाएंगे फौरन। और जो कांटा डालते हैं उसके आगे क्या लगाया होता है? गोश्त लगाते हैं, तो उसी के अंदर ही गोश्त लग रखेंगे ना पिंजरे के अंदर ही, तो वो केज के अंदर इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है मेरी जान। ये नहीं करना आप, इनको जख्मी नहीं करना, आपने कांटा नहीं लगाना, प्लीज मेरे साथ वादा करना है। जी नहीं लगाएंगे राज साहब, ठीक है, थैंक यू अल्लाह ताला। तो ये मतलब तो नहीं, अगर आपकी बात नहीं माननी तो फिर फायदा क्या है? नहीं मेरी बात, मेरी जान, आप वैसे भी मेरे बहुत प्यारी जगह से हैं, चूकना वाली, मेरे वालिद साहब मोहतरम जो थे ना, ये चूकना वाली का बड़ा जिक्र करते थे ये हमेशा, उनके कोई मेरा ख्याल है कोई कोई अपने जिक्र करते थे, पता नहीं चूकना वाली के कोई हकीम हुए हैं बड़े ज़बरदस्त पहले। हकीम होंगे, नहीं तो एक इधर एक शक्कू गुजरा है ना, उसका भी नाम बहुत ही ओपन था यानी। अच्छा, वो क्या शक्कू से क्या मुराद? उसका नेम शक्कू था बस, वो उसके यानी बैर था, लड़ाई थी तो इससे। नहीं 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 नहीं, वो चूकने वाली का असल में वो मेरा ख्याल है कि वो किसी हकीम के हवाले से बात करते थे कि मैं चूकना वाली गया तो उधर से मैंने दवाई ली, बच्चा था तो मैं ठीक हो गया, तो इस तरह की बात है। तो बट यू आर वेरी नियर एंड डियर टू मी, ठीक है, तो माशाल्लाह। तो प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं आपको सारे प्रोग्राम, जो अगर रह जाए तो भी उनको भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई मिस ना हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, तो एक छोटा सा सवाल और था पिछले वाले से, मैंने 1000 मछली यानी एक गुलाब में डाली है 1 एकड़ में। 1000? हाँ जी जी। तो मेरा टारगेट या मेरा माइंड या दिल करना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा, यानी कि 1 मछली 2 किलो की होनी चाहिए कम से कम। ठीक, उसके लिए मैं DAP खाद भी यूज कर रहा हूँ और यूरिया भी और पाउडर भी, मेन ये 3 ही आइटम्स हैं मेरे पास। अच्छा, इन तीनों की मिकदार जितनी आप बोल सकते हैं भी, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हो जाए और ये मेरा टारगेट पूरा हो जाए। मैं आपको ना इनकी खुराक 1 एकड़ में कितनी है, कौन से इनके इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें, हो सकता है मैं सोयाबीन मील भी उसमें डलवाऊँ आपसे, ठीक है, और भी हो सकता है कुछ चीज़ें, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा फार्मूला आपको दूंगा। और कितना आप जो डाली है वो ग्रास है, रो है, मराठी है। अच्छा, और चावली है और गुलफाम की जो फ्रेश ब्रीड है ना टीके वाली। हाँ जी, वो डाली है। वो डाली, रो नहीं डाली? रो भी डाली है। हाँ, रो डाली है। ज्यादा उसमें ग्रास है या रो है? ज्यादा रो है, उससे कम मराठी है, उससे कम थैली है, उससे कम रो है, सॉरी ग्रास है। ग्रास है, चले।
चले मैं चूंकि बाकायदगी से फिश खाने वाला बंदा हूँ, तो मैं लगता है कि मैं शहीदा वाली वाला है ना, वो हमारे वड़ैच है अपना उसकी ड्यूटी लगाऊंगा। पहले भी उसने भेजी थी वहाँ से, लेकिन अमजद वड़ैच शहीदा वाली है ना आपके मंडी बहादीन में? जी बिल्कुल, हमारे करीब ही है, हम भी वड़ैच ही हैं। अल्लाह हु अकबर, तो मैं भी वड़ैच ही हूँ। चले आप न फिर अमजद को, अमजद वड़ैच है उधर शहीदा वाली, उसको मेरा सलाम देना है। मैं जब भी जाता हूँ ना, तो अमजद चूंकि मेरा पुराना स्टूडेंट भी है, लेकिन हमारी अब तस्वीरें जब आती हैं, मैंने चूंकि अपनी, आपको पता ही है ये दाढ़ी जो है, अब पहले कितनी सफ़ेद थी, अब क्या हो गई है, लाइट ब्राउन है, तो वो मेरा शागिर्द क्या, मेरा उस्ताद लगता है। इंशाल्लाह मैं करूँगा। और एक मिनट, चलें आप मुझे अपना सेंड कर देंगे नंबर, क्योंकि मेरे पास कॉल्स बहुत आ रही हैं, अब पता नहीं इसमें आपका नंबर, या मुझे ये बता देंगे एंड में क्या नंबर आता है आपका? 977। बस 977 वाला मैं ये नहीं, बस 0348 614197। बहरहाल मैंने ये नंबर आपसे आपने तो दे दिया है, मैं लोगों से अपील करूंगा जब आपने मछली खरीदनी हो तो ये इस नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, ओके, विच यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक फार्म में पानी नहीं खड़ा हो रहा, ये भी इशू, वो पानी उसमें जरूर, वो असल में मट्टी जो है ना वहाँ, या तो सैंडी सॉइल है नीचे, या को ग्रेवल ऐसी है कि पानी निकल जाता है उसमें से। नहीं, पानी निकलता भी किधर नहीं है, इससे पहले फार्म थे उधर, उस टाइम जितना ये एकड़ टाप पर था, इतना कोई एकड़ टाप पर नहीं था। अच्छा, तो अभी जो है उसमें सिर्फ एक ही डाउट आ रहा है, उसमें कछुए भी दूसरों की निस्बत कम है और फिश भी जो है वो फ्रेश है, लेकिन वो पानी नहीं खड़ा कर रहा। डेली का यानी 24 घंटे में 4 से 5 इंच पानी डाउन करता है। अच्छा, करता है। तो डेली का तो आदमी नहीं ना लगा सकता, इतना तो डीजल ही फोर्ड नहीं हो रहा। हाँ, नहीं नहीं इतना नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल का ही ज़्यादा मेन प्रॉब्लम सॉइल का ही होता है, कि मिट्टी चिकनी है। हाँ, मिट्टी चिकनी है तो अच्छी बात है कि उसमें कछुए डाल दें। आपने कहा ना कछुए, ये उसमें अलग कछुए भी नहीं, जिसमें कछुए हैं वहाँ तो पानी नहीं नीचे जा रहा। नहीं, जा रहा है वहाँ भी, लेकिन इसमें उनकी निस्बत डबल ट्रिपल जा रहा है। बस कछुओं की बरकत हो जाएगी, पानी रुक जाएगा। आप कोशिश करें कछुए डालें कि थोड़े से, अल्लाह करेगा खुद ही फिर उसमें भी आ जाएंगे, कौन सा दूर है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वो चिकनी मिट्टी भी है, जरूर कोई ना कोई उसकी साइड्स पे कहीं ना कहीं लीकेज जरूर होगी। ये तो बात है, वो उसमें कद्दू में भी शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी, जब हाँ, होगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ, अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ, इतना एवेपोरेट भी नहीं हो सकता है जी, कोई खाद ऐसी हो जिससे ड्राई करने से पानी खड़ा हो जाए, ज्यादा बन जाए। नहीं नहीं, आपने पैसा बिल्कुल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस कछुए डाल देने ठीक हो जाएगा। ठीक है, सर गोट फार्मिंग का भी मुझे शौक है, मैंने बकरियां भी रखी हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो गोट चीचड़ पड़ गए हैं और वो प्रेग्नेंट हैं। क्या हुआ है उनको, चीचड़ पड़ गए हैं? वो प्रेग्नेंट भी हैं। कितनी देर के? कोई नहीं, लास्ट मंथ तो नहीं चल रहा, एक का लास्ट मंथ चल रहा है, दो यानी बाकी को 2 मंथ रहते हैं अभी। तो चीचड़ का तो मसला बेस्ट तो वैसे ही है कि जेरे जिल्द जो है ना, एवरमेक्टिन का या एंडेक्टिन, एबामैक, कोई भी मैक्टिन, ये कोई भी मिल जाए वो जेरे जिल्द लगा दें। अच्छा,
तो उससे हाँ जी हैं जी वो प्रेग्नेंट बकरी को मुश्किल तो नहीं है, पहले तो आयोटेक एक बार लगाया था तो बकरी जो है वो हमल गिरा दिया था। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ना, जिनका पहला नहीं है, आखिरी महीना या पहला नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको ना लगाएं, या आप छोड़ें सब कोई, आप उनका मुंह आपने अच्छी तरह बंद कर लेना है ताकि वो लिक ना कर सकें, और इको फ्लीस ले आनी है, इको फ्लीस, हाँ इको फ्लीस लिक्विड मिलेगी हालत में, और वो एक सीसी 4 लीटर पानी में डाल देनी है और उसके साथ इनको नहला देना है अच्छी तरह। आँखों में तो आँखों के पास ज्यादा है, आँखों के पास ज्यादा है तो वो तो वैसे ही वो नहीं होता, कितने हैं, कितनी है? कुल है 18-20। तो वो तो फिर टीके से ही ज़्यादा बेहतर कोई नहीं चीज़, अगर आँखों के करीब है, अगर आँखों के करीब ना होती तो फिर तो सारे जिस्म दूसरे पे ठीक है, अदरवाइज एंडेक्टिन या कोई मैक्टिन ले लें, वो लगा दें हैं, वो देख लें, उस पे लिखा होगा, ये मैं आपको बता दूं, उस पे होता है कि सेफ फॉर प्रेग्नेंट एनिमल्स और नॉट, वो लिखा होगा, और उसकी हदायत के जब भी कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी हो ना तो हमेशा कंपनी की जो होती है ना इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, हाँ आप देख लें, अगर सेफ है, लिखा होगा सेफ टू यूज फॉर प्रेग्नेंट एनिमल्स, तो फिर ठीक है, अगर सेफ लिखा है, सेफ नहीं है तो फिर डोंट यूज दैट। ओके सर जी, और बकरों को आयत दे रहा हूँ सरसों का, उनकी कितनी मकदार होनी चाहिए और टाइम बता दें, बस लास्ट सवाल है, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक छटाक से ज्यादा नहीं देना, एक छटाक से ज्यादा नहीं देना, ठीक है बस। अब आप आखिरी सवाल था आपका, क्योंकि कल भी एक बंदे थे, आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, उसमें ने लिखा है लंबी काल, लिखा है देखा है लंबी काल से मुराद है उसने, उन्होंने 40 मिनट से ज्यादा है, तो दूसरे लोग बदवाएं देते हैं, फिर रमज़ान है, मैं बदवाएं नहीं लेना चाहता। प्लीज़ आप बेशक ये सवाल करके, नया जब भी सवाल करना हो तो थोड़ा लाइन में लग जाएं, दोबारा फिर कॉल कर लें, हो सकता है आपको मिल जाए फौरन। ओके अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अपना नाम फिर दोबारा से, नाम अपना? मेरा नाम शमस हैदर। शमस हैदर, माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।